हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू सीरीज। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और जैसे कि आप कंटिन्यू मेरी शादी की सीरीज देख रहे हो, तो यहाँ पे भी बच्चे सारे खाना खा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में आने वाली है बारात। तो आज 12 बजे से पहले पहले ही खाना खा लिया था। बारात 12:30 बजे कुछ पहुँची थी हमारे यहाँ पे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे ससुराल से मायके आने में 3 ही घंटे लगते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 3 घंटे से ऊपर लगा दिया था। पता नहीं नाच नाच के आ रहे थे शायद मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे और खाना दे रहे हैं घर के लिए। छोटे छोटे बच्चे तो यहीं पे खा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। लेकिन जो मतलब ये है कि आज ऐसे बारात आएगी तो आज लोगों को ऐसा होता है कि हड़बड़ी में खाना पड़ता है फटाफट फटाफट, तो लोग घर ही लेके जाते हैं। जितना भी परोसा वगैरह होता है सब घर ही लेके जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर बैठ के खाते हैं उस दिन। तो यहाँ पर देखो लाइन लगा के सारे खड़े हो रखे हैं खाना लेके जाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी खसर मसर मच चुकी है, क्योंकि बारात पहुँच चुकी है। और पहले ही बोला था कि जल्दी खाना लेने आ जाना भाई, तो लेकिन लेट आए लोग, तो इस वजह से लेट हो गए। तो यहाँ पे अब बारात पहुँच चुकी है। यहाँ पे स्वागत के लिए मेरे फ्रेंड्स वगैरह खड़े हो चुके हैं और दूल्हे का वेट कर रहे हैं। और धूप इतनी तेज थी ना, सब मतलब ऐसा हो गया था। अप्रैल के टाइम पर आपको पता कितनी ज़्यादा धूप होती है। अप्रैल लास्ट मतलब मई स्टार्टिंग में हुई थी मेरी शादी, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो सामने से बारात भी पहुँच चुकी है और ये देखो कितने स्माइलिंग के साथ इनका वेलकम कर रहे हैं। श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। पावन पर्व भेला ना बाजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम ते सेवा स्वीकार छट्टा भूलो ते जिया भोरे प्यार बहनियों की जय जयकार श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। पावन पर्व भेला ना बाजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। चौक बैठा श्रीमान तुम खूने भेंट स्वागत गान दुई हाथ जोड़ियान, दुई हाथ जोड़ियान। आवा श्रीमान आसन पे राजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। पावन पर्व धैला
डांडा बाजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा तो गाइस जो ये मालाएं चढ़ रही है ना, तो ये उनको चढ़ती है जो मतलब अपनी फैमिली के होते हैं, अपने कुटुंब के। ये जो रंग बिरंगी मालाएं दिख रही है ना आपको, इसका मतलब ये होता है कि अपने फैमिली के, अपने कुटुंब के हैं। इस माला से वो पहचाने जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं एक तरीके से। और हाँ, ये मालाएं खाली दिख रही ना कैमरे में, पर खाली नहीं है, इनके नीचे ना नॉट लटके होते हैं। और जो ये मालाएं थी तो वो खत्म हो गई थी, इनके परिवार से ज्यादा ही कुटुंब आ गया था। खैर मजाक की बात है, लेकिन नोट साथ में हाथ में पकड़ा रहे हैं, पापा पैसे हाथ में पकड़ा रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये सारे मतलब रिश्तेदार आ चुके हैं यहाँ पे, तो एक तरीके से ये स्वागत हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, इसमें रिश्तेदारों को पहचाना जाता है। और पंडित जी साथ साथ बता भी रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सब यहाँ पे पिठाई विठाई लगा रहे हैं मस्त, और एक जैसे लोग दिख रहे हैं मेरे को तो सारे के सारे। पापा जब पापा लगा रहे हैं तो सेम टू सेम शक्ल मिल रही है उनसे, उनके भैया लगा रहे हैं। अब चाचों ने उठा लिया राहुल को, तो अब दूल्हे राजा को उठा के लेके जाएंगे नीचे तक, जहाँ पे हमारी जयमाला वगैरह होगी, जहाँ पे सेटअप वगैरह बन रखा है। तो चलो फटाफट चलते हैं नीचे। मैं भी सबर ना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। चिट्टा कुकड़
पहले पापा ने की राहुल की पूजा वगैरह, उसके बाद ताऊ जी ने की। तो यहाँ पे सारे के सारे बराती आ चुके हैं और लड़के देखो क्या ठाट से बैठ रखे हैं, वे आगे आगे दूल्हे के दोस्त बैठ रखे हैं सारे और पीछे पीछे और लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी को, वहाँ के पंडित जी को मिठाई वगैरह लग रही है और उसके बाद लग रही राहुल को, इसके बाद लगेगी पूरे जितने भी मतलब बराती आए हुए हैं ना, तो सबको एक एक करके मिठाई लगती है। उनका एक तरीके से वेलकम बोलते हैं इसको, तो उनका वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। तो स्वागत है भाई आप सब बरातियों का, हार्दिक स्वागत। उस टाइम पे तो नहीं बोल पाई लेकिन अब बोल रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे गांव में। और हमारी शादी में ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, अभी तक सब मुझे बोलते हैं कि आपकी शादी में हालत ख़राब हो गई थी। सब देखो कैसे बैठ रखे हैं और अभी तक दुल्हन ही नहीं आई, काफ़ी देर तक तो इनको बाहर ही रुका के रखा वहाँ पे गेट पे, उसकी वजह से जो सालियाँ और जीजों के बीच मस्ती मजाक होता है ना, उस रीज़न से वहाँ पे बिठा के रखा। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फिर भी काफ़ी लोग अंदर आ गए थे लेकिन लोगों ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय किया ना, सब ने आके मुझे बोला, कहते कि भाभी आपके वहाँ पे जो लस्सी थी ना उस टाइम पे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी ना और गर्मी के टाइम पे सबसे अच्छा ठंडी ठंडी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है ना, तो लोग वो बता रहे थे मुझे। और तो अब टाइम था मेरी एंट्री का, बस अब थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए।